किया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि काशी रेलवे स्टेशन पुराने समय से महत्वपूर्ण स्टेशन है और इसका रीडेवलपमेंट आर्थिक गतिविधियों के उद्देश्य से 350 करोड़ रुपए में किया जाएगा। इस स्टेशन का रिनोवेशन काशी की धार्मिक संस्कृति को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा और काशी रेलवे स्टेशन जल थल और नभ मार्ग से कनेक्ट होगा। देखिए निरीक्षण करते हुए अश्विनी वैष्णव की यह तस्वीर। बनारस के चहुमुखी विकास के लिए हमेशा प्रयासरत है। इसी कड़ी में दो बड़े प्रोजेक्ट, एक हुआ गंगा जी पर एक नया पुल जिसमें रेलवे की 4 लाइनें होंगी और हाईवे के 6 लेन होंगे। रेलवे की 4 लाइनें और उसके ऊपर हाईवे के 6 लेन, उसका आज निरीक्षण हुआ है। काशी बहुत समय से एक महत्वपूर्ण स्टेशन था, इसका रीडेवलपमेंट हो जिससे कि काशी स्टेशन के आसपास रहने वाले जितने भी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में एक बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी आए, एक बड़ी अच्छा प्रभाव पड़े, इसलिए करीब 350 करोड़ रुपए के लागत से काशी स्टेशन के कंप्लीट रीडेवलपमेंट का पुनर्निर्माण एकदम भव्य तरीके से इसको करना। वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अरुण कुमार ने बढ़ते प्रदूषण के लिए पंजाब में पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराया है और उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की नाकामी से पश्चिमी यूपी में प्रदूषण फैलता है। मंत्री अरुण कुमार से खास बातचीत की न्यूज स्टेट संवाददाता अमित चौधरी ने। यूपी सरकार के राज्य मंत्री अरुण कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पॉल्यूशन को लेकर सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है, देखिए, एक तो पॉल्यूशन वो है जो पंजाब में पराली जलाई जा रही है, वो दिल्ली होती हुई हमारे प्रदेश में आ रही है, क्योंकि हवा जो है ऊपर से नीचे को आ रही है। और साथ ही साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से प्रदूषण ना बढ़े। हमारे यहाँ से ट्रक्स, कार्स, ऑटोमोबाइल्स, प्रदूषण के पीछे आप पंजाब सरकार को जिम्मेदार मानते हैं कि वहाँ रोकथाम नहीं हो रही है? ये दिल्ली एनसीआर में नोएडा गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ हर साल यही स्तर होता है। देखिए, हम पराली जलाने को ही प्रदूषण का प्रमुख, आज जितना प्रदूषण है उसका 36% पराली जलाने के कारण है।